इस ईयरफोन में वायर स्पीकर में से निकल गया है इसमें जो वायर जहां से टूटा है उस वायर को वहीं पर सोल्डिंग करके चिपकाएंगे अगर कौन सा वायर कहाँ से टूटा है वह नहीं पता चल रहा तो ईयरफोन में सॉन्ग प्ले करके एक वायर को पॉजिटिव और दूसरे वायर को नेगेटिव टर्मिनल में लगाकर स्पीकर में से आवाज़ आ रही है कि नहीं वह चेक करना है और आवाज़ आ रही है तो वहीं पर उस वायर को सोल्डिंग करके लगा देना है अगर आवाज नहीं आ रही है तो वायर को दोनों अलग अलग टर्मिनल पर लगाकर चेक कर सकते हैं और वायर के ऊपर के कोटिंग को सोल्डरिंग आयरन से गर्म करके और जलाकर कोटिंग हटाकर ट्राई कर सकते हैं इस तरह आप किसी भी ईयरफोन के वायर स्पीकर में से निकल गए हो तो उसे ठीक कर सकते हैं यह इंटेक्स कंपनी का थंडर एक सौ ईयरफोन है यहां पर दोनों वायर स्पीकर में अच्छे से सोल्डिंग हो चुके हैं सोल्डिंग किए हुए दोनों स्पीकर में आवाज़ आ रही है और अच्छे से काम कर रहे हैं